वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें दो पार्ट्स को वेल्ड फ्रिक्शन के थ्रू किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे, जब दो पार्ट्स को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा तो फ्रिक्शन अराइज होता है और फ्रिक्शन हीट को जनरेट करेगा। हीट जनरेट होने से दोनों पार्ट्स जो है वो मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने के बाद यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसके थ्रू यहाँ पर वेल्डिंग होता है। ठीक है, दो पार्ट्स ज्वाइंट हो जाते हैं, तो यही प्रिंसिपल फ्रिक्शन वेल्डिंग का है। अब हम यहाँ पर फिगर के हेल्प से इसका स्टेप देखेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग सिमिलर और डिसिमिलर दोनों मटेरियल्स को हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग के थ्रू, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये ज्यादातर जो है बट वेल्डिंग को प्रेफर करता है। अब जैसे बोले सिमिलर और डिसिमिलर, डिसिमिलर में हम बात करें जैसे हम कॉपर और एल्यूमिनियम को भी एक दूसरे से ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, राउंड पार्ट जो है इसको वेल्ड करना इजी होता है, लेकिन जो आप फ्लैट पार्ट्स को भी वेल्ड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए स्टड वेल्डिंग। अब यहाँ पे हम स्टेप के थ्रू वेल्डिंग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पार्ट्स है ए एंड बी जो कि अभी कांटेक्ट में नहीं है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो जॉब है ये रोटेटिंग चक पे फिट किया हुआ है, जबकि दूसरा जॉब जो पार्ट बी है वो नॉन रोटेशनल चक पे फिट किया हुआ है। लेकिन हाँ, नॉन रोटेशनल चक पे फिट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है एक मूवेबल एक्जिलरी, ठीक है, मूवेबल एक्जिली रोटेशन तो नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, एक्जर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रोटेशनल मोमेंट हो रहा है, तो रोटेशनल मोमेंट जो रहा है एट द रेट ऑफ 6000 आरपीएम। स्टेप टू में हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया और एक्चुअली ये रोटेट हो रहा है और यहाँ पर एक्सल मूवमेंट हो रहा है। तो दोनों पार्ट्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रिलेटिव मोशन। यहां पर स्लाइडिंग मोशन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन से क्या होगा कि यहां पर हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आप जानते हो कि जब ये दोनों कांटेक्ट में आ रहा है, एक रोटेशनल मोमेंट हो रहा है और एक हो रहा है एक्सियल मोमेंट, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या हुआ, एक दूसरे कॉन्टेक्ट सरफेस पे रबिंग एक्शन होता है। ठीक है, जिसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन जनरेट करेगा हीट को। हीट जनरेट होने से ये कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो मेल्ट हो जाता है। अब जब ये कॉन्टेक्ट एरिया मेल्ट हुआ, इसके बाद दोनों साइड से, ठीक है, एक्जियल फोर्स को अप्लाई किया जाता है। लेकिन हाँ, उस वक्त रोटेशनल स्पीड को क्या किया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। रोटेशनल स्पीड स्टॉप किया जाएगा जब मेल्ट हो जाता है और फोर्स को दोनों डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्सियल कंप्रेशन आप देखोगे होगा जब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑफसेटिंग प्रोसेस, और ये हुआ वेल्डिंग फॉर्म होगा। यहाँ पे रोटेशन इज स्टॉप्ड एंड एक्सियल फोर्स इज अप्लाइड। अब हम आते हैं जब हम यहाँ से चक से, ठीक है, इसे बाहर निकालेंगे, इजेक्ट करेंगे, तो इस तरह से वेल्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब एक दूसरे पे, मतलब मशीन पे कैसे फिट होता है। यहाँ हेड स्टॉक्स और टेल स्टॉक्स में देख सकते हैं आप, पार्ट ए और पार्ट बी फिक्स है। ये लेथ मशीन है, तो ये मूवेबल
यहाँ पे रोटेशनल मोशन और यहाँ पे हो रहा है एक्सियल मोशन, ठीक है, और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन एराइज होगा रबिंग एक्शन के थ्रू, और फ्रिक्शन एराइज होने से हीट जनरेट करेगा, और हीट क्या करेगा, मेल्ट करेगा कॉन्टेक्ट सर्फेस को, फिर फोर्स अप्लाई होगा दोनों साइड से जो यहाँ पर वेल्ट फॉर्म करेगा। ओके, स्मॉलर कंपोनेंट के लिए लिमिटेड होता है। इस पूरे वेल्डिंग प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, ठीक है, और एडवांटेज इसका क्या होगा कि इसमें इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो है वो लो होता है, ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट जो है वो भी, जिसके कारण कॉस्ट, पावर रिक्वायरमेंट के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो भी क्या होगा, लो होगा। प्रोसेस जो आप देख रहे हैं वो क्लीन है और हाई क्वालिटी वेल्ड्स भी होगा, साथ में इसमें जो मटेरियल्स का लॉस होता है, ठीक है, एक्सक्लूजन के थ्रू वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन देख सकते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग का, ट्विस्ट ड्रिल, गैस टरबाइन शाफ्ट, एरो इंजन ड्राइव शाफ्ट, वाल्व, रेफ्रिजरेटर ट्यूब ऑफ डिसिमिलर मेटल्स एटीसी। इस लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, फ्रिक्शन वेल्डिंग कंप्लीट किया। थैंक यू।